प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि अगर हम सावधान नहीं हमारे भक्ति जीवन में, चाहे हम गुरु के साथ रह रहे हो 24 घंटा, चाहे भगवान के साथ रह रहे हो, फिर भी हमारा पतन हो जाए। ये भक्ति मतलब है शूरस्य धारा, तलवार पर चलने जैसा है, हमको सावधान रहना पड़े। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि अरे भक्ति में क्या है, अब तो कर ही रहे हैं, हमारा क्या होगा, बस उसी दिन होना शुरू हो गया। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे डार्केस्ट डे ऑफ अवर स्पिरिचुअल लाइफ, सबसे दुर्भाग्यशाली दिन होगा जिस दिन हम वैष्णवों की बात सुनना बंद कर देंगे, जिस दिन हमें ये लगने लगेगा कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो काला कृष्णदास उस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शरण को खो देते हैं, लेकिन वैष्णव उनको छोड़ते नहीं। ये वैष्णवों की अनुकंपा है, भगवान से ज्यादा कृपावान होते हैं वैष्णव, इसलिए हम लोग वैष्णवों की आराधना करते हैं, हम भगवान की आराधना नहीं करते हैं। हम कौन है? गौड़ीय वैष्णव। गौड़ीय वैष्णव मतलब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, भगवान को भी भक्त बनना पड़ता है तब गौड़ीय वैष्णव उनकी आराधना करते हैं। तो भक्तों की आराधना करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और भक्त कभी भी किसी का त्याग नहीं करते।